मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन की एक विशेष बैठक सोमवार को भारत माता चौराहा स्थित शिव शक्ति मंदिर परिसर में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान से पधारे SC/ST विकास परिषद राजस्थान के स्टेट चेयरमैन, मीना महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संस्कार सेना राजस्थान एवं पूर्व पार्षद, राष्ट्रीय संयोजक न्यू आदर्श, श्रमजीवी पत्रकार संघ जगदीश मीणा का संगठन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। सर, राजस्थान से जगदीश मीणा जी आज आए, आपके संगठन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और आपका भी इत्तेफाक है या जो भी है, आपका नाम भी जगदीश मीणा जी है, तो आप समाज विकास के मुद्दों पर विशेष बैठक हुई, महत्वपूर्ण चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई मुद्दों पर? सबसे पहले तो अतिथि देवो भव, हमने जगदीश जी का समाज की तरफ से, संगठन की तरफ से स्वागत किया। और चूंकि आप राजनीति में और सामाजिक कार्यों में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन लिया, साथ ही प्रदेश में हमारा संगठन जिस उद्देश्य को लेकर बना और फरवरी 2018 में जो महासम्मेलन हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि मीना समाज को आरक्षण में दिलवा कर रहूँगा, उस संबंध में समाज संगठन की बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आपने घोषणा की थी उसकी सरकार को याद दिलाया जाए, उस संबंध में आगे प्रदेश स्तरीय शांतिपूर्ण तरीके से एक समयबद्ध आंदोलन चलाया जाए। लगातार मीना समाज सेवा संगठन संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही? कहीं ना कहीं हम उसको, सरकार को इस जगाने में नाकामयाब रहे हैं और हमारे संगठन और समाज की एकजुटता में कहीं ना कहीं कुछ लोग बाधा पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से ये सरकार हमारी बात को नहीं सुन पा रही। सर, जिस प्रकार राजस्थान में मीना समाज ने एकता के बल पर सरकार को झुका दिया था, क्या वही दृश्य मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा आने वाले समय में? आने वाले समय में समाज और संगठन पूरी तरह से एकजुट होकर इस मांग को पूरा करवाने में सरकार पर दबाव डालेगा और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि ये मांग पूरी होगी। सर, आने वाले समय में 2023 में चुनाव भी होने वाले थे, मीना समाज भी अपनी दावेदारी इस बार प्रस्तुत करेगा? चुनाव के संबंध में हमारे माननीय बैठे हुए, वो इस संबंध में प्रकाश डालेंगे। हमारा मीडिया बंधुओं को प्रेरित किया जा रहा है, उनके ऊपर मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं, आप संघ के प्रमुख हो, तो क्या सरकार से किस प्रकार से मीडिया की सुरक्षा दिलाएंगे? पूरे देश लेवल पर और प्रदेश स्तरों पर न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ जो है, संगठन की एकजुटता और पत्रकारों की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय DL शर्मा जी के नेतृत्व में हम पूरे देश के तमाम स्टेटों में जाकर के मीडिया बंधुओं के अधिकारों के लिए, जनसंपर्क के जो डिपार्टमेंट है या उनके मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, देश का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसके माध्यम से ज्ञापन दे करके समय समय पर जो पत्रकारों को सुविधाएं दी जाएं, सुख सुविधाएं दी जाएं, वजीफा दी जाए या कंपनसेशन दिया जाए, ये मांग हम लगातार उठाते रहे हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे पंचायत की सरकार हो, मीडिया के बिना कहीं ना कहीं वो अधूरी है। सर, मध्य प्रदेश सरकार का भी फैसला आया था कि बिना जांच करे पत्रकार के पास गिरफ्तारी ना हो या उसे थाना ना बुलाया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हो रहा है कि कोई FIR करता हो, पत्रकार सीधा अरेस्ट हो जाता है और झूठे मुकदमे उस पर दायर हो रहे हैं, क्या इस मुद्दे लेकर क्या गृहमंत्री से आप मिलेंगे? इस मुद्दे को लेकर के राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के जितने भी CM हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हों, चाहे बघेल साहब हों, चाहे गहलोत साहब हों, चाहे खट्टर साहब हों, इन सबको हमने ज्ञापन भी दिया है और विगत भारत सरकार ने ये डायरेक्शन भी दिया था इनको कि किसी भी पत्रकार को बिना इंक्वायरी के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी पत्रकार साथियों को, चाहे आवास सुविधा हो या यात्रा सुविधा हो या तमाम मेडिकल सुविधाएं हों, उन सुविधाओं की भी मांग हम कर रहे हैं। सर, यूट्यूब चैनल वाले जो मालिक है या उनके रिपोर्टर हो, कहीं ना कहीं सरकार उन्हें मान्यता नहीं दे रही, वो अपना लगातार संघर्ष कर रहे, तो इसके मानने के लिए क्या कदम बढ़ाएंगे? ये जो यूट्यूब चैनल वालों की जो मांग है, ये न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ भी कर रहा है, साथ ही कई अनेक संगठन ऐसे बने हैं जो बेबी पोर्टल के माध्यम से उनको भी बराबर की मान्यता दिलाने की चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार में अभी नीति बननी है, सूचना जनसंपर्क जो विभाग है इनका, भारत सरकार का,
वहाँ कैबिनेट में ही निर्णय आएगा, तब जाकर के भारत सरकार इसको लागू कर पाएगी। इसके लिए तमाम मीडिया बंधुओं को ताकत के साथ एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यूट्यूब चैनल्स वाले हों, इनको सबको अपने आप में यूनिटी दिखाने की जरूरत है। सर, यूट्यूब चैनल